हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि WhatsApp पर हम कोई भी थीम कैसे चेंज कर सकते हैं, क्योंकि WhatsApp के अंदर ये ऑप्शन नहीं दिया जाता कि WhatsApp के बैकग्राउंड में हम कोई भी फोटो अपनी पसंद की लगा सकें। ये हमारी WhatsApp चैट है और चैट के पीछे देखो ये बैकग्राउंड में फ़ोटो जो मैंने लगा रखा है कितना अच्छा लग रहा है। अगर आप भी इस तरीके से बैकग्राउंड में कोई भी फ़ोटो लगाना चाहते हो तो बड़ी आसानी से आप लगा सकते हो। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि WhatsApp पर हम कोई भी फ़ोटो या कोई भी थीम कैसे चेंज कर सकते हैं। अगर हम किसी को फ़ोन देते हैं तो वो भी पूछता, भाई ये WhatsApp चैट के अंदर आपने फ़ोटो कैसे लगाया। तो दोस्तों, अगर आप अपना WhatsApp खोलते हो तो WhatsApp में इस तरीके से कुछ दिखाई देता है और बैकग्राउंड में कोई भी थीम या कोई भी फ़ोटो नहीं दिखाई देती। तो दोस्तों, हमें आगे क्या करना है? सबसे पहले हमें अपना WhatsApp ऑन कर लेना है। WhatsApp ऑन करने के बाद हमें क्या करना है, ऊपर कोने में 3 डॉट का आइकन दिखाई देगा, ये वाला। तो इस पर हमें यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हमें सेटिंग पर जाना है, ये नीचे सबसे नीचे सेटिंग आ रही है ना, इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमें तीसरे नंबर पर दिखाई देगा चैट, ये रहा। पहले नंबर पर अकाउंट, प्राइवेसी, अवतार, फिर है चैट। तो चैट पर हमें यहाँ से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद भाई हमें थीम दिखाई देगा लिखा हुआ, तो इस पर हमें यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से हमें डार्क, ये लिखा है ना डार्क, इस पर हमें यहाँ से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें इसे ओके कर देना है। ओके करने के बाद WhatsApp हो गया डार्क मोड, ये हमारी स्क्रीन डार्क मोड में दिखाई दे रही है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। ये हमने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हमें बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद हम आ गए अपने फ़ोटो में। फ़ोटो में आने के बाद हमें वो फ़ोटो सिलेक्ट कर लेना है जो हमें WhatsApp थीम पर लगाना है। तो भाई, मैंने WhatsApp थीम पर लगाने के लिए फ़ोटो डाउनलोड कर रखा है, तो मैं ये वाला फ़ोटो अपने WhatsApp के पीछे बैकग्राउंड थीम पर लगाना चाहता हूँ, ठीक है। ये मैंने यहाँ से फ़ोटो सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ से मैं बैक चला जाता हूँ। बैक जाने के बाद हमें जाना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पे हमें सर्च करना है पिक्सल लैब। यहाँ पे हमने पिक्सल लैब सर्च करा, उसके बाद ओके कर दिया। ओके करने के बाद दूसरे नंबर पर आ रहा है पिक्चर एडिटर। तो जिसके फ़ोन में ये डाउनलोड नहीं है वो इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना। मेरे फ़ोन में डाउनलोड है और मेरे फ़ोन में इंस्टॉल है, तो मैं इसे यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा, और दिखाई देने के बाद हमें ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करना है। ये 3 डॉट लिखा हुआ आ रहा है ना, इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यूज इमेज फ्रॉम गैलरी, इस पर हमें यहाँ से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वो फ़ोटो हमें सिलेक्ट करना है जिसका हमने स्क्रीनशॉट लिया था, ये वाला, ठीक है। इसका मैंने स्क्रीनशॉट लिया, तो मैं इसे यहाँ से फिर डन कर देता हूँ। ये राइट का ऑप्शन है ना, इस पर यहाँ से क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद ऊपर तो अभी आ रहा है 3 डॉट का आइकन, ये वाला, और इसके साइड में आ रहा है यहाँ पे प्लस का आइकन, ये वाला। तो प्लस के आइकन पर अब हमें क्लिक करना है। प्लस के आइकन पर हम क्लिक कर देंगे, उसके बाद लिखा हुआ आएगा फ्रॉम गैलरी। पहले नंबर पर है टेक्स्ट, दूसरे नंबर पर है करेंट डेट, उसके बाद है स्टिकर शॉप, उसके बाद है फ्रॉम गैलरी, ये वाला, ये दिखा रहा है ना। तो हम फ्रॉम गैलरी पे यहाँ से क्लिक कर देंगे। फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करने के बाद वापसी ये हमें अपने मोबाइल की गैलरी के अंदर ले जाएगा। मोबाइल की गैलरी के अंदर जाने के बाद यहाँ पे जो हमने फ़ोटो सिलेक्ट करा था उस फ़ोटो को हम यहाँ से ओके कर लेंगे। ओके हमने कर लिया, तो ये वाला फ़ोटो देखो छोटा बड़ा आ रहा है। बैकग्राउंड में हमें चैट दिखाई दे रही है, तो हमें क्या करना है, ये हमें थोड़ा सा बड़ा कर लेना है फ़ोटो। ये हमने यहाँ से फ़ोटो थोड़ा सा बड़ा कर लिया, ये हमारा एडजस्ट कर लेना है अपने अकॉर्डिंग कि हमें कैसा फ़ोटो लगाना है। ये मैंने यहाँ पे इसे एडजस्ट कर लिया। उसके बाद में हमें क्या करना है, ये 3 डॉट के आइकन पे क्लिक करना है फिर दोबारा से। उसके बाद जाना है हमें एक्सपोर्ट इमेज में, ये लिखा हुआ है ना एक्सपोर्ट इमेज, इस पर हमें यहाँ से क्लिक करना है। उसके बाद हमें सेव टू गैलरी में क्लिक कर देना है। तो ये हमारा अब गैलरी में सेव हो चुका है, इसका काम ख़त्म हो गया। उसके बाद अब हमें क्या करना है, उसके बाद हमें फिर दोबारा से जाना है अपने प्ले स्टोर में। हम आ गए अपने प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में आने के बाद अब हमें यहाँ पे सर्च करना है डिजाइनर टूल्स, ठीक है, ये हमने टाइप कर लिया। उसके बाद हमें यहाँ पे इसे सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद दूसरे नंबर पर आ रहा है डिजाइनर टूल्स प्रो, ये वाला। तो यहाँ पे हम इसे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद इंस्टॉल कर देंगे। तो देखो इंस्टॉल होने के लिए डाउनलोड हो रहा है, तो इसे हम डाउनलोड होने देते हैं। ये हमारा डाउनलोड हो गया, अब ये इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। अब ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है, अब हम इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। तो हमें यहाँ पे अब क्या करना है, यहाँ पे
पहले नंबर पर है कलर पिक्चर, दूसरे नंबर पर है ग्रिड ओवरले, तीसरे नंबर पर है मेकअप ओवरले। ये देखो ये वाला मैं टच करके दिखला देता हूँ आपको, ये रहा। तो इसे यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे पहले नंबर पर प्लस का आइकन दिखाई देगा, इस पर हम यहाँ से क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये अलाउ डोंट अलाउ परमिशन मांगेगा, तो हमें इसे अलाउ कर देंगे। हम इसे अलाउ करने के बाद जो फ़ोटो हमने सेव करा था वो यहाँ पे शो होने लग जाएगा, तो उस फोटो को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद पहले नंबर पर ऊपर जो लिखा हुआ आ रहा है मेकअप ओवरले, तो ये वाला दिखाई दे रहा है आपको जहाँ पे मैं टच कर रहा हूँ, तो इसे हम यहाँ से ऑन कर देंगे। फिर अलाउ मांगेगा, परमिशन मांगेगा मतलब, फिर हम इसे परमिशन दे देंगे। उसके बाद ये हमें परमिशन मांगने के लिए बोल रहा है ऐप को, हमारे ऐप को परमिशन मांगने के लिए बोल रहा है। हम इस ऐप को परमिशन दे रहे हैं, यहाँ से हमने इस ऐप को परमिशन दे दी। उसके बाद हल्का सा बैक जाएंगे तो ये देखो बैकग्राउंड में ही दिखाई देने लग गया है। फिर उसके बाद यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा ये वाला, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हम इसे यहाँ से पूरा 100 कर देंगे, 100 कर दिया हमने, और अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट भी हम इसे कर सकते हैं। तो देखो जैसे ये ऊपर नीचे, मैं यहाँ पे ये मैं यहाँ पे इसे एडजस्ट कर देता हूँ ये, ठीक है। उसके बाद मैं बैक चला जाता हूँ। बैक जाने के बाद अब मैं जाता हूँ अपने व्हाट्सएप में। अब मैं अपना व्हाट्सएप ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद ये देखो कुछ इस तरीके से अब ये दिखाई दे रहा है, बैकग्राउंड में थीम दिखाई दे रहा है और चैट ये हमारी दिखाई दे रही है। कितना अच्छा लग रहा है देखने में, काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है ये। तो दोस्तों कुछ इसी तरीके से आप भी अपने व्हाट्सएप के अंदर व्हाट्सएप थीम लगा सकते हो। कोई भी फ़ोटो अपना पसंद का हो, कोई सा भी फ़ोटो हो, उस फोटो को लगा सकते हो बड़ी ही आसानी से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।